तुपालगढ़ में साधुओं की हत्या को लेकर वीएचपी ने देशव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंका है, तो उधर तबलीगी जमात को लेकर भी राजनीति सरगर्मी जो है राजनीतिक वो काफी तेज हो गई है। जमात के कई लोगों ने ये दावा किया है कि वो कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। इस बीच ट्विटर पर तबलीगी जमात पर गर्व है ट्रेंड हो रहा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तबलीगी जमात का महिमा मंडन करने वालों पर निशाना साधा है। महामारी फैलाने वाले जमात पर गर्व क्यों? खून का धर्म बताएंगे, जमात को बचाएंगे। क्या महामारी फैलाने वाले जमात की इमेज सुधारने की कोशिश हो रही है, जिसने देश को संकट में डाला, जिसने अस्पताल में नर्स डॉक्टरों से बदसलूकी की और जिसने पुलिस वालों पर हमला किया? क्या उनके पाप धुल जाएंगे? कोरोना को मात देने में प्लाज्मा थेरेपी के कारगर होने की बात सामने आने के बाद कुछ जमातियों ने प्लाज्मा डोनेट करने की पेशकश की। इसके बाद सोशल मीडिया पर जमात का गुणगान शुरू हो गया। जमात पर गर्व है ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। कोरोना फैलाने की जिम्मेदार जमात का बचाव करने वालों पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जवाब दिया। नकवी ने कहा कि भारत में कोरोना फैलाने वाले तबलीगी अपने आप को कोरोना वॉरियर्स बता रहे हैं। कमाल है, तबलीगी अपने गुनाहों पर शर्म करने की बजाय लाखों कोरोना वॉरियर्स का अपमान कर रहे हैं। इसे कहते हैं चोरी और सीना चोरी। ये जो नफरत का माहौल मुसलमानों के ताल्लुक से खड़ा कर दिया गया, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, भारत के वजीर आजम, आपने तो बयान दिया कि वायरस का कोई मजहब नहीं होता, सही कहा आपने, मगर भारत के हमारे मुल्क के वजीर आजम से, मेरे प्राइम मिनिस्टर से, मेरे वजीर आजम से पूछना चाह रहा हूं, क्या आपके ही कैबिनेट के एक वजीर ने नहीं कहा था कि तबलीगी जमात तालिबानी है? मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे तबलीगी जमात की सुनियोजित साजिश करार दिया है। नकवी ने कहा कि बेशक कुछ राष्ट्रभक्त मुसलमानों ने जरूरतमंदों को प्लाज्मा दिया है, पर उन्हें तबलीगी कहना ठीक नहीं। हर हिंदुस्तानी मुसलमान को तबलीगी साबित करने की सुनियोजित घटिया तबलीगी साजिश है। महामारी के मौलाना का कब होगा हिस्सा? उधर महामारी के मौलाना की कुंडली तैयार हो चुकी है। धीरे धीरे मौलाना साद पर शिकंजा कसता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने तबलीगी जमात के फरार मौलाना साद के 4 सहयोगियों से दिल्ली में पूछताछ की है। इन सभी से हवाला फंडिंग और पैसे के स्रोत के बारे में पूछताछ की गई। जिन 4 लोगों से पूछताछ की गई, वो सभी मरकज में काम करते थे। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना साद समेत कई लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। मौलाना साद के वकील ने कहा है कि मौलाना साद और मरकज को अभी तक 3 नोटिस दिए गए हैं, जिनका जवाब दिया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं कुछ पलों के लिए, लेकिन खबरें जी न्यूज पर लगातार जारी है। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion available on Google Play and App Store. Download it now.